पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर महबूबा मुफ्ती को निर्विरोध चुन लिया गया है। श्रीनगर स्थित पीडीपी मुख्यालय में हुए चुनाव में पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान वीरी ने अध्यक्ष के रूप में महबूबा मुफ्ती के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका पार्टी महासचिव जी नबीलोन हंजूरा ने समर्थन किया और महबूबा मुफ्ती को लगातार चौथी बार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हर 3 साल के बाद होता है और पिछले 3 कार्यकाल से लगातार महबूबा मुफ्ती को पार्टी की निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इस अवसर पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। उस वक्त की रूलिंग पार्टी जो बनी, चाहे वो कश्मीर में थे चाहे जम्मू में थे, उनको असेंबली में पहुंचने नहीं दिया। ये शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर के जो आप कहिए टूटी फूटी जमहूरियत की। उसके बाद जितनी भी जमातें आई उन्होंने भी इस निजाम को आगे चलाया। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, मगर और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है 77 में दिल्ली वालों को पता नहीं क्या सूझी। एक इलेक्शन उसको ठीक ठाक को दे दिया क्योंकि उसको बता अपोजिशन थी नहीं एक तरफा, और ये भी ख्याल था कि जो यहाँ सबसे ज्यादा अपोज करते थे हमको, जो अलाइदी का नारा लगाते थे, वो आप मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, इसलिए आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमेशा इलेक्शन मैनिपुलेट होते, मगर उसके बाद इलेक्शन का क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। मगर मुफ्ती साहब कोशिश करते रहे एक मुतबादी में खड़ा करो, इसलिए कांग्रेस में गए, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनको गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, सोशल बायकॉट हुआ, मगर वो डटे रहे। बहुत मेहनत की, मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिशियन ने इतनी मेहनत की होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी तो उन्होंने मेरे ख्याल में शायद मुश्किल से 27 साल की उम्र में जब वो सादिक साहब के कैबिनेट में मिनिस्टर बने।